हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंक या फिर अंडर द सिंक एरिया को हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके कुछ बहुत ही यूजफुल आइडियाज, आई होप कि ये आपके लिए भी जरूर यूजफुल होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कुछ इस तरीके से है इस सिंक का काउंटर। इसके ऊपर आपको देखने मिलेगी एक हैंड वॉश बॉटल और सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इस DIY प्लांटर के ऊपर। मेरे पास कुछ सी शेल्प थे जो डिफरेंट साइज और शेप के थे, तो इस एम्प्टी बाउल के एक साइड में मैंने कुछ ओवल शेप के सी शेल्स और कुछ डिफरेंट स्टाइल के सी शेल्स हॉट ग्लू गन की मदद से स्टिक कर दिए हैं। डिफरेंट स्टाइल के शेल्स होने के कारण दो डिफरेंट फ्रंट मुझे इस प्लांटर के मिल गए थे। तो इस प्लांटर में मैंने एक इंडोर प्लांट यानी कि बैम्बू प्लांट यहाँ पे रख दिया है। आपके पास जो भी इंडोर प्लांट हो, आप इस तरीके के प्लांटर्स सिंक एरिया पे रख सकते हैं, जिससे डेफिनेटली आपके सिंक एरिया का लुक एनहांस हो सकता है। और अब चलते हैं सिंक एरिया की वॉल साइड पर। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल एक शेल्फ जो स्टेनलेस स्टील का बना है, क्रोम फिनिशिंग का बना है, इसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉट मिलेगा जिसमें मैंने कुछ टूथपेस्ट रखे हुए हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि थोड़े से टूथपेस्ट खत्म होने के बाद ये प्रॉपर स्टैंड नहीं होते, तो उसे रखने के लिए मैंने एक ब्यूटीफुल पॉट यहाँ पे रखा है। इसी शेल्फ पर फेस वॉश, माउथ फ्रेशनर और टूथब्रश वगैरह आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। इसी शेल्फ के नीचे एक फेस टॉवल हैंग करने के लिए जगह है, तो यहाँ पे एक फेस टॉवल भी रखा होता है। सिंक के ऊपर हमने एक बड़े स्क्वायर शेप का एक मिरर यहाँ पे लगाया हुआ है। सिंक और इस मिरर के लुक को और भी एनहांस करने के लिए इस मिरर को मैंने डेकोरेट किया है स्ट्रिंग लाइट से। ये स्ट्रिंग लाइट मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर की थी। इस स्ट्रिंग लाइट से जस्ट डे को ही नहीं, रात के वक्त भी ये सिंक एरिया बहुत ही बढ़िया लुक दे देता है। सिंक के नीचे हमने यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए कैबिनेट बनवा लिया है, जिसमें बाथरूम के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती है वो मैं यहाँ पे स्टोर करके रख देती हूँ। तो इस स्टोरेज में आपको दो पार्टीशन देखने मिलेंगे। सबसे ऊपर की साइड में यहाँ पे मैंने एक हैंडल वाला एक बास्केट यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें फेस वॉश, एक्स्ट्रा जो शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट या फिर टूथब्रश वगैरह जो होते हैं वो इस फर्स्ट बास्केट में स्टोर किए गए हैं। सेकेंड बास्केट में यहाँ पे आपको मेहंदी, हेयर डाई रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती है वो सभी मैंने इसी एक ही बास्केट में रखी हुई है। बीच में यहाँ जो सिंक का पाइप जाता है उसमें थोड़ी सी जगह बची थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा 2-टायर प्लास्टिक का रैक रखा हुआ है, जिसमें सभी फ्रेशनर, एक्स्ट्रा ईयरबड्स, एक्स्ट्रा शेविंग ब्लेड्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ ऊपर ग्रीन बास्केट में सभी बाथ सोप मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं, और इस एरिया को पूरा यूटिलाइज करने के लिए और इस एरिया को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्टील का रैक यूज़ किया है, जिससे ऊपर बास्केट और नीचे के एरिया में हम काफ़ी जगह में चीज़ें स्टोर करके रख सकें। तो यहाँ पे एक पुराना बॉक्स है जिसमें मैंने क्लीनिंग के लिए पुराने टूथब्रश और हेयर डाई ब्रश स्टोर करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे है ये वाइट बेकिंग सोडा जो क्लीनिंग और काफ़ी सारे कामों में हेल्पफुल होता है, तो उसे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। इस कैबिनेट्स के अंदर मैंने कुछ सेंसर लाइट्स लगाई हुई है। पहले मैंने यहाँ पे अंदर लाइट्स की कोई अरेंजमेंट नहीं की थी, बाद में सिंपली वॉल पे अटैच करके ये सेंसर लाइट मैंने लगाई है, जो आफ्टर 15-20 सेकेंड्स के बाद ऑटो ऑफ हो जाती है। इसका एक डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर शेयर किया हुआ है, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। आप इस लाइट्स के बारे में उस वीडियो में डिटेल में जानकारी चेक कर सकते हो। सेकेंड सेक्शन पे काफ़ी सारी जगह यहाँ पे बच जाती थी, तो उसे यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे मैंने एक अंडर शेल्फ बास्केट का यूज़ किया है। इस बास्केट में सभी फेस और हैंड टॉवल्स को वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसके नीचे बास्केट में सभी क्लीनर, हैंड वॉश या फिर टॉयलेट क्लीनर, एक्स्ट्रा जो स्क्रबर्स वगैरह होते हैं वो इस बास्केट में स्टोर किए जाते हैं। इस सेकेंड बास्केट में सभी क्लीनर्स जैसे कि फ्लोर क्लीनर्स, विनेगर या फिर जो किचन क्लीनर्स वगैरह होते हैं वो इस सेकेंड बास्केट में स्टोर किए गए हैं।
सबसे लास्ट में है एक छोटी सी बास्केट जिसमें मेरे डेली क्लीनिंग के सभी टूल्स, माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर जो भी ब्रश वगैरह होते हैं उसे मैं रख देती हूँ। इसीलिए मैंने इस बास्केट का नाम ही रखा है डेली क्लीनिंग बास्केट, जो डेली क्लीनिंग में बहुत ही यूजफुल होती है। जैसे ऊपर के सेक्शन में आपने एक सेंसर लाइट देखी थी, वैसे ही नीचे की शेल्फ में भी मैंने एक सेंसर लाइट लगाई हुई है ताकि मुझे नीचे जो भी चीज़ें अगर निकालनी हो तो उस वक्त भी सफिशेंट लाइट मुझे इस रैक में मिल जाए। कैबिनेट के डोर साइड पे कमांड हुक की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक क्लीनिंग वाइपर भी रखा हुआ है जो डेली क्लीनिंग में यूज होता है। इस वीडियो में दिखाए गए कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने अमेजोन से ही परचेस किए थे, जिसकी परचेस लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का सिंक ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।